नमस्कार सर। चलिए आज जो है कि आज हम एक प्रिंटर का इंस्टॉल के बारे में बता रहे हैं फ्रेंड्स। ये प्रिंटर जो है फ्रेंड्स जो है टीसी। तो फ्रेंड्स ये जो प्रिंटर है इसका ड्राइवर को कैसे डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे आज हम यहाँ पे दिखाने वाले फ्रेंड्स। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा और फ्रेंड्स ये प्रिंटर का मॉडल भी आप लोग को जो है कि बता दे रहा है TSC TE244। ओके TSC TE244 इसको लिख के जो कि सर्च करेंगे क्योंकि आज इसी का ड्राइवर को डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में वीडियो पे दिखाना होगा। फ्रेंड्स मैं हूँ टेक्निकल पीसेस से जयल महतो और मेरे चैनल पे अगर आप नहीं हो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया सीगल साइंटिफिक, तो फ्रेंड्स TSC TE244 प्रिंटर ड्राइवर को जो है कि हम लोग यहाँ पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आएगा फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड का जो कि ऑप्शन दिख रहा है वर्सन जो कि 2023.3 54 MB का फ्रेंड्स। इसको जो कि जस्ट क्लिक करके यहाँ पे हम लोग डाउनलोड करेंगे फ्रेंड्स। बहुत आसानी से जो कि इस प्रिंटर को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे। तो बने रहे मेरे चैनल पे, अभी जो है कि इसका ड्राइवर डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे डाउनलोड शुड बी ऑटोमेटिकली विद इन नेक्स्ट फ्यू सेकंड, तो यहाँ पे जो कि ड्राइवर आपका डाउनलोड हो रहा है। इनकेस अगर ड्राइवर डाउनलोड नहीं होता तो यहाँ देखिए क्लिक किया लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जनरली क्लिक करने से हो जाता, नहीं होने से जरूर एक बार क्लिक हेयर को क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है और इसको जस्ट क्लिक करके ओपन करते हैं और एक्सेप्ट इसका जो लाइसेंस एग्रीमेंट फ्रेंड्स एक्सेप्ट करने के बाद इसको न्यू करेंगे। रुकिए अंदर घुस गया, इसको नीचे से एक बार उठाते हैं। हाँ इधर चल गया था, इसको क्लिक किए। हाँ यहाँ पर देखिए इसको जो कि ड्राइवर एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किए, इसको एग्रीमेंट को उसके बाद जो है कि नेक्स्ट किए और यहाँ पे देखिए रन ड्राइवर विजार्ड, इसको भी टिक करके दोनों को टिक करने के बाद जो कि यहाँ पे हम लोग अभी फिनिश करेंगे। ओके और नीचे वाला नहीं करने से भी चलेगा, बट रन वाला को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका सीगल प्रिंटर ड्राइवर फ्रेंड्स। सीगल जो है कि प्रिंटर का ड्राइवर, यहाँ ड्राइवर इंस्टॉल ओनली फॉर यहाँ पे हम लोग करेंगे और नेक्स्ट को यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कि 2 से 3 मिनट में आप ई प्रिंटर अगर आपके पास है तो कर सकते हैं। USB है, नेटवर्क है, ब्लूटूथ है, आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं या वाईफाई से कर सकते हैं या जो है कि USB। तो हम लोग यहाँ पे जो कि USB केबल को कनेक्ट करके जो है कि हमारा ये जो प्रिंटर है इसको हम लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं। आप नेटवर्क के थ्रू से यानी कि इथरनेट केबल या वाईफाई केबल से भी इसको जो है कि आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जस्ट USB जो है सिलेक्ट है, सिलेक्ट करने के बाद जो कि प्रिंटर को यहाँ पे कनेक्ट करना ज़रूरी है। कनेक्ट जैसे ही होगा यहाँ डिटेक्ट हो जाएगा कि यहाँ सिस्टम पे जो है कि USB कनेक्ट हुआ। तो अभी फ़िलहाल मेरा कनेक्ट नहीं है, तो चलिए इसको जो कि USB केबल को हम लोग कनेक्ट करते हैं। और देखिए जैसे कनेक्ट किए हैं यहाँ पे जो कि सर्चिंग हो रहा है, तो सर्च करके जो है कि यहाँ पे आपका जो कि USB को वो लोग खुद फाउंड, मतलब ड्राइवर खुद फाउंड कर लेगा। ओके तो आपको यहाँ वाइप देखिए यहाँ पे आपका शो होने लगा, फिर इंस्टॉल ड्राइवर फॉर प्लग एंड प्ले करके जो है कि इसको नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे देखिए USB पोर्ट 002 पे लिया हुआ है और यहाँ पे जस्ट एक बार नेक्स्ट कर देंगे फ्रेंड्स। जैसे नेक्स्ट करेंगे प्रिंटर का, देखिए यहाँ पे आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, इस प्रिंटर को डिफॉल्ट रखना है तो डिफॉल्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जस्ट फिनिश कर देंगे। तो फिनिश होने से जो है कि प्रिंटर आपका इंस्टॉल होके रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसानी से जो कि आपको प्रिंटर को इंस्टॉल करने का प्रोसेस बता दिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो करेली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।